हेलो एंड वेलकम टू मार्वेलस एजुकेशन। आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ ब्लॉक एंड पुलिस रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में। इसके पहले मैंने बहुत सारे तरह तरह के प्रॉब्लम्स के बारे में बात कर लिया है, अगर उन वीडियोस को देखना है तो ऊपर जाके सर्च करना है NLM या न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन बाय मार्वेलस एजुकेशन, वो प्लेलिस्ट सामने आएगा, सारे वीडियोस करके करके आपको देख जाना है। इस वीडियो में मैं जो बात करने वाला हूँ ब्लॉक और पुली के बारे में, तो जब भी तुम मॉड्यूल ओपन करोगे ना तो ब्लॉक और पुली से रिलेटेड ढेरों सारा सवाल बना हुआ उसमें उसके अंदर पड़ा हुआ मिलता है। उन प्रॉब्लम्स को हम लोगों को सॉल्व कैसे करना है, किन किन टाइप का प्रॉब्लम होता है और प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त किन किन बातों को ध्यान में रखना है, ये सारी बातें मैं इस वीडियो के लास्ट तक तुम्हें बता दूंगा। तो चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते, स्टार्ट करते हैं आज का प्यारा वाला ये वीडियो। देखो जैसा कि मैं प्रॉमिस किया हूँ किसके बारे में बात करने वाले हैं, हम लोग बात करने वाले हैं ब्लॉक और पुलिस रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में। तो मैं थोड़ा हेडिंग दे देता हूँ, हेडिंग क्या देना है मुझे, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन, प्रॉब्लम्स समस्याएं, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन ब्लॉक एंड पुली। ब्लॉक और पुली से रिलेटेड क्वेश्चंस अगर तुम्हें आएंगे तो उनको कैसे कैसे आपको सॉल्व करना है, डील करना है। और ये जो भी ब्लॉक और पुली से रिलेटेड मैं क्वेश्चंस करूंगा मैक्सिमम ये सेकंड लॉ या थर्ड लॉ पे ही जाता है। तो चलो अभी मैं ये बताता हूँ कि ब्लॉक और पुली से रिलेटेड कैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। तो देखो इसमें तीन तरह का सवाल तुम्हें अक्सर पूछा जाएगा, पहला सिंपल ब्लॉक पुली, दूसरा जो तुमसे पूछा जाएगा वो होगा मूवेबल पुली, और तीसरा जो पूछेगा वो पूछेगा ब्लॉक एंड पुली ऑन इनक्लाइन प्लेन। इसके अलावा जो होगा तुम्हें कंस्ट्रेंट रिलेशन से भी रिलेटेड कुछ सवाल पूछे जाते हैं, पर कंस्ट्रेंट रिलेशन पूरी तरह से अलग ही मैं पढ़ाऊंगा। अभी हमारा तीन फोकस तीन ही टॉपिक पे होगा। ब्लॉक एंड पुली से रिलेटेड प्रॉब्लम्स में तीन तरह के सवाल अक्सर तुमसे पूछे जाएंगे, पहला होगा सिंपल ब्लॉक और पुली वाला, दूसरा मूवेबल पुली वाला, और तीसरा ब्लॉक एंड पुली को इनक्लाइन प्लेन पे रख देंगे तब कैसे उसको सॉल्व करना। तो चलो हम लोग तीनों प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके तुम्हें समझाता हूँ कैसे कैसे प्रॉब्लम आता है। सबसे पहला प्रॉब्लम दिखाता हूँ मैं, पहला नंबर प्रॉब्लम, जैसे हम लोग पहले प्रॉब्लम सॉल्व करने आ रहे थे ना सेकंड लॉ का यूज़ करके, सारा स्टेप जो मैंने बताया था वही स्टेप यूज़ करना है, उसमें इसमें कोई नया स्टेप नहीं है। और साथ में बहुत सारा मेथड्स भी जो मैंने दो मेथड बताया था उस मेथड से भी ये भी प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। पर ये क्या है, मैं थोड़ा बड़ा इसमें इस तरह के प्रॉब्लम्स ज़्यादा पूछे जाने की वजह से अलग एक कैटेगरी बना दिया। जैसे मान लो दो को ब्लॉक लटका हुआ है इस पुली के सहारे, साथ में ये भी दे दिया है कि ये जो पुली है वो पुली कैसा है, मासलेस है एंड फ्रिक्शनलेस है, ठीक है। दूसरा जो दिया हुआ है ये स्ट्रिंग, ये धागा, ये कैसा है, मासलेस है और इनएक्सटेंसिबल है, ये दो चीज़ें दिया हुआ है। अब इसका फ़ायदा क्या होता है ये जानना है तो फर्स्ट वाली वीडियो में जाना है जिसमें मैंने टेंशन फोर्स के बारे में बताया था कि ऐसा क्यों दिया हुआ है। अगर ऐसा नहीं दिया हुआ होगा तब तो हम लोग एडवांस वाले सिलेबस में पढ़ेंगे। अभी हम लोग को जानना है कि ये अगर दिया है तो इसका फ़ायदा क्या क्या है, थोड़ा सा मैं याद करवाता हूँ। मान लो यहाँ पे इसका मास जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है M1, इसका मास जो दिया हुआ है M2 दिया हुआ है, और मेरे से ये पूछ रहा है कि मुझे ये बता दो कि टेंशन का वैल्यू इसमें कितना होगा, इसमें टेंशन फोर्स जो आएगा ना वो कितना जनरेट होगा, और दूसरा पूछ रहा है कि इन दोनों का एक्सेलरेशन कितना होगा, M1 मास का और M2 मास का एक्सेलरेशन क्या कुछ आएगा। ये दो सवाल है मेरे से पूछा गया, तो हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला ये दिया हुआ है कि ये पुली कैसा है, मासलेस और फ्रिक्शनलेस है, और मासलेस और इनएक्सटेंसिबल कौन है, ये स्ट्रिंग है अपना। अच्छा ये बताया था मैंने कि अगर ये मासलेस है, कौन, स्ट्रिंग अगर मासलेस होता है तो यहाँ पे अगर टेंशन टी मैं मानता हूँ तो हर जगह टेंशन टी, पूरे रस्सी में टेंशन टी ही चलता है, अलग नहीं होता है, तो यहाँ से यहाँ मैं जंप करूँगा तभी मुझे टेंशन यहाँ पे टी ही मिलेगा। इसका ये फ़ायदा हुआ मासलेस होने का। दूसरा इनएक्सटेंसिबल होने का फ़ायदा क्या होगा, इनएक्सटेंसिबल होने का फ़ायदा ये होगा कि ये M1 ये पूरे रस्सी से जो मासेज ये जुड़े हुए हैं इसका एक्सेलरेशन अगर ए है तो इसका भी एक्सेलरेशन ए ही होगा, अगर ये इनएक्सटेंसिबल है स्ट्रिंग तो। अब दूसरा नेक्स्ट हम लोग ये जानते हैं कि यहाँ पे मैं टेंशन टी ले लिया, यहाँ टेंशन टी ले लिया, इधर टेंशन में क्या लेके चलूँ, इधर टी रेस ले लूँ क्या, नहीं, एक मिनट थोड़ा पुली के बारे में तो देख लेते हैं। पुली कैसा दिया हुआ है, एक तो मासलेस और दूसरा फ्रिक्शनलेस। मासलेस और फ्रिक्शनलेस अगर पुली दे तो इधर टेंशन टी तो इधर भी टेंशन टी ही रहता है। अब ये टेंशन टी ये पूरा का पूरा कैसा है, मासलेस और इनएक्सटेंसिबल, इसीलिए टेंशन यहाँ पे भी टी।
अब ये बातें मैं हर बार नहीं बताऊँ, ये चीज़ें दिया रहेगा तो खटाखट में आगे बढ़ता चला जाऊँगा, क्योंकि मैक्सिमम सवाल में पुली जो है मासलेस और फ्रिक्शनलेस होगा, और मासलेस और इनएक्सटेंसिबल जो होगा वो स्ट्रिंग होगा। ये चीज़ें हम लोग पहले से अंडरस्टूड करके लेके चलेंगे, बाकी सवालों में स्पीड में थोड़ा करूंगा मैं काम, ये फर्स्ट था इसलिए मैंने ऐसा बता दिया। अब देखते हैं कि हम लोग ये अलग अलग दोनों का अगर मैं एपीडी ड्रॉ करता हूँ कैसे ड्रॉ होगा। M1 मास का मान लो मैं ड्रॉ करता हूँ, पहला मुझे यहाँ मास दिख रहा है M1, ऊपर दिख रहा है इसमें टेंशन T, तो ऊपर साइड टेंशन T, नीचे साइड M1G आएगा, नीचे साइड M1G आएगा, एक्सेलरेशन कहाँ की तरफ, ऊपर की तरफ, देखो ये ब्लॉक ऊपर की तरफ जा रहा है। ऐसा मान लो कि इसमें ये भी दे दिए कि M2 जो है वो ग्रेटर देन है M1 से, ये दिया हुआ रहे, मतलब जब भी दिया रहेगा 2 kg 5 kg तो ऑटोमेटिक में पकड़ लो कौन बड़ा है, जो बड़ा होगा वो नीचे की तरफ खींच के लेके जाएगा। अगर नहीं भी दिया हुआ हो ये एक्सेलरेशन का डायरेक्शन उल्टा भी मान लो तो भी आंसर गलत नहीं आने वाला है, आंसर माइनस में बसा जाएगा, बाकी अंडरस्टूड समझ जाना तुम। अभी मैं क्या है दूसरे वाले का मैं FBD ऐसे ड्रॉ करता हूँ, दूसरा वाला कौन है सर जी M2 है, ठीक है M2 का भी FBD मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, ऊपर टेंशन टी, FBD ड्रॉ करने में प्रॉब्लम हो रहा है वो तो FBD वाला वीडियो जरूर जाके देखना है, FBD ऊपर जाके क्या सर्च करना पड़ेगा NLM बाय मार्वेलस एजुकेशन, तो वो वीडियो आ जाएगा। नीचे देखो नीचे क्या है M2G, नीचे है M2G, ठीक है इसका एक्सेलरेशन कहाँ जा रहा है M2 का, M2 नीचे आ रहा है। अब दोनों के लिए मैं इक्वेशन लिखता हूँ, इक्वेशन कैसे लिखेंगे, मुझे इन दोनों फोर्सेज में से बड़ा कौन मिल रहा है M2G, देखो ये ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन हो रहा है ना, मतलब ये टेंशन बड़ा ऊपर की तरफ ब्लॉक जा रहा है, देखो एक्सेलरेशन ऊपर है, तो टी माइनस में M2G इज इक्वल्स टू M1 इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। दूसरे वाले में देखो दोनों में से बड़ा कौन, एक्सेलरेशन नीचे है तो बड़ा होना चाहिए M2G, तो M2G में से माइनस क्या करना पड़ेगा टेंशन को, तो ये F रिजल्टेंट आ गया, रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मास कितना है M2, एक्सेलरेशन A है, तो M2 इंटू ए, ये हो गया इक्वेशन 2। इन दोनों इक्वेशन को किसी तरह सॉल्व करना है, सॉल्व करने के लिए क्या करता हूँ इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को ऐड करता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 1 इसे इक्वेशन नंबर में 2 दे देता हूँ, टेंशन से टेंशन हो गया कैंसिल, हो गया टेंशन खत्म। एक मिनट M2G इसमें तो M1G होगा ना, ये देखो मिस्टेक कर दिया हूँ, तो ये हो जाएगा M2G, दोनों में से मैं कॉमन डायरेक्ट निकाल रहा हूँ, देखो ये दोनों को मतलब जब ऐड करोगे तो क्या कुछ होगा G कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा M2 माइनस M1 इंटू G, इन दोनों को ऐड करो तो बचेगा हो जाएगा M1 प्लस में M2 और कॉमन में आएगा एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन बराबर क्या फॉर्मूला आ गया M2 माइनस M1G डिवाइडेड बाई M1 प्लस में M2, तो ये हो गया हमारा आंसर जिसे मैंने सॉल्व कर लिया। अब एक छोटा सा मैं HW दे रहा हूँ दोस्त, HW नंबर 1, इसका आंसर सॉल्व करके आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मान लो एक मैं ऐसे ब्लॉक लटका रखा हूँ, ये ब्लॉक एक पुली से ऐसे लटका हुआ है, इधर साइड है 3 kg का और इधर साइड है 4 kg का ब्लॉक, अब आपको ये बताना है कि इसमें टेंशन क्या कुछ आएगा और दूसरा एक्सेलरेशन क्या कुछ आएगा। देखो अभी मैं एक्सेलरेशन निकालने के लिए तो बता दिया, डायरेक्ट इस फॉर्मूला में पुट नहीं करना, पूरा प्रोसेस से होकर सॉल्व करो ऐसे जाकर, तब तुम्हें पूरा अच्छे से क्लैरिटी आएगा, मजा आ जाएगा तब। अब देखो एक एक्सेलरेशन आ चुका है, मैं टेंशन निकालने के लिए बता देता हूँ, किसी एक इक्वेशन में ये वैल्यू को ले जाकर पुट कर दो बन जाएगा, टेंशन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इसे इधर लेके आता हूँ मैं फर्स्ट इक्वेशन में, तो M1A माइनस में M1G, M1 दोनों में से मैं कॉमन ले लेता हूँ, बच जाएगा A माइनस जी, M1 इंटू एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना आया है M2 माइनस M1, M2 माइनस में M1 डिवाइडेड बाई M1 प्लस में M2 इंटू जी, ओके इंटू जी और माइनस में जी। अब इसे सॉल्व करना या आंसर ला देगा, यही हो जाएगा इसका आंसर टेंशन का। अब देखो इसका दूसरा एक अल्टरनेटिव मेथड में बताता हूँ, अल्टरनेट मेथड, सर आपके पास जगह है नहीं, आप मेथड पे मेथड बता रहे हो, हम जगह बनाएंगे और आंसर लेके आएंगे। देखो इस तरह का ये ब्लॉक और पुली जो दिया हुआ है, एक मिनट के लिए इमेजिन करो कि ये ब्लॉक जो है ऐसा हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, ये वाला ब्लॉक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है, बीच में स्ट्रिंग लगा हुआ है, ऐसा इमेजिन करो, तो मुझे क्या दिख रहा है यहाँ पे, एक दिखेगा मुझे M1 और दूसरा दिखेगा इधर साइड M2, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे अगर मैं इमेजिन करूँगा तब इधर साइड देखो टेंशन लग रहा है जो कि इधर की तरफ मुड़ेगा, तो ऐसा हो जाएगा ये टेंशन टी और इधर की तरफ हो जाएगा टेंशन टी। अब इस वाले ब्लॉक को नीचे की तरफ किससे खींचा जा रहा है M1G से, और इसे किससे खींचा जा रहा है M2 इंटू जी से, तो इस ब्लॉक को जब हॉरिजॉन्टल पर रखोगे तो देखो इधर साइड खींचता हुआ M1G दिखेगा, ये वाला उधर साइड खींचता हुआ दिखेगा, तो मुझे ये दिख रहा है कि इधर साइड एक फोर्स लगाया जा रहा है M1G और इधर साइड एक फोर्स लगाया जा रहा है M2G। पूरे को देखो अगर इन दोनों को, तो ये दोनों एक ही स्ट्रिंग से जुड़ा हुआ है, एक ही स्ट्रिंग से जुड़ा हुआ है, मतलब दोनों का एक्सेलरेशन सेम है, एक्सेलरेशन सेम है कब, अच्छा दोनों में से बड़ा कौन है M2G, M2 बड़ा है तो M2 भी बड़ा होगा,
इसका मतलब यह है ये फोर्स बड़ा, ये फोर्स छोटा, इसका मतलब यह है एक्सेलरेशन कुछ ऐसे आएगा, उधर की तरफ एक्सेलरेशन आएगा। और ये पूरे को मान चुके हैं हम लोग सिस्टम। क्यों सिस्टम माने हैं? क्योंकि दोनों का एक्सेलरेशन मुझे सेम दिख रहा था। जब एक्सेलरेशन सेम दिखे तो एक सिस्टम मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा इससे। ठीक है, एक्सेलरेशन सेम है इसलिए मैंने इसको सिस्टम मान लिया। इधर एक्सेलरेशन ज़्यादा है, इधर का फोर्स ज़्यादा है, इधर का फोर्स कम है, तो एफ रिजल्टेंट इज इक्वल्स टू मास इंटू मास टोटल इंटू एक्सेलरेशन लगा सकते हैं। एफ रिजल्टेंट कैसे आएगा? एम टू जी में से एम वन जी माइनस करना पड़ेगा, एम टू जी माइनस में एम वन जी माइनस करना पड़ेगा, तो ये एफ रिजल्टेंट आ जाएगा। मास टोटल कितना है? एम वन प्लस में एम टू है, एम वन प्लस में एम टू है, और एक्सेलरेशन मेरे पास ए ही है, रख देते हैं। अब एक्सल ये देखो, दोनों में कॉमन निकालते हैं तो जी कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा एम टू माइनस में एम वन इंटू जी डिवाइडेड बाई में, इन दोनों का डिवाइड में लेके आ जाते हैं, तो ये बचेगा एम वन प्लस में एम टू इज इक्वल्स टू ए। देखो तो इस वाले से मैच नहीं कर गया, तो चाहे कोई तो ये मेथड नंबर टू का भी इस्तेमाल कर सकता है। और यहाँ रहा कौन सा? मेथड नंबर वन। जिस मेथड का चाहो उस मेथड का इस्तेमाल कर सकते हो। सेकंड मेथड के साथ एक रिस्ट्रिक्शन है दोस्त, ये सिस्टम तभी मान सकते हो जब दोनों का एक्सेलरेशन क्या रहे? सेम रहे, दो रहे, तीन रहे, चार रहे, कितना भी ऑब्जेक्ट तुम्हें दे दे, अगर एक्सेलरेशन सबका सेम है तो उसको एक सिंगल सिस्टम मान सकते हो। तो ये तो हो गया हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन, पहला नंबर सवाल। अब मैं थोड़ा और भी अच्छे से सवाल करवाता हूँ। देखो अब नया सवाल लेकर आया हूँ मैं, ये सवाल ध्यान से देखना, ये सवाल देखना देखने वालो। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ क्या, एक बार की बात है, इस तरह से ऐसा कुछ लटका हुआ था नीचे एक पुली। अरे यार बढ़िया बन, ये रहा पुली, ये रहा ब्लॉक, ठीक है, इधर एक और ब्लॉक लटका हुआ है इस तरीके से, और इस तरीके से एक और ब्लॉक लटका हुआ है, और क्या क्या है, यहाँ है 4 kg का, यहाँ है 3 kg का, यहाँ 1 kg का। अब तुम्हें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है कि कैसे सॉल्व करोगे। इसमें ये बताना है कि ये बताओ, जैसा सब कुछ पहले दिया हुआ था, ये मासलेस है, फ्रिक्शनलेस है, ये इनएक्सटेंसिबल है, मासलेस है, सब कुछ दिया हुआ है, अब उतना लिखूंगा नहीं मैं। टेंशन बताना है, कितना टेंशन आएगा दिमाग में। दूसरा ये बताना है ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन क्या कुछ आएगा। देखो ना, सारा एक ही धागा से जुड़ा हुआ है यहाँ तक, और ये दोनों तो एक ही साथ चलेगा, तो अब ये क्या है, पूरे तीनों का ब्लॉक का एक्सेलरेशन हमें तो सेम ही मिलने वाला है, ये भी फिक्स है, एक्सेलरेशन सेम मिलने वाला है। तो ऐसा तो कह ही सकते हैं कि ये दोनों को एक सिस्टम मान लेते हैं, मान लेते थोड़ी देर के लिए, इसका एक्सेलरेशन नीचे कुछ जाएगा और ये एक्सेलरेशन कुछ ऊपर लेके आएगा। मैं पहले फर्स्ट मेथड से ही सॉल्व करता हूँ, है ना, ताकि तुम्हें प्रोसेस अच्छे से समझ में आता रहे। ये है नीचे कौन? 4g, ये नीचे 3 और 1, नीचे 4g, ऊपर साइड टेंशन टी, ठीक है। अब डायरेक्ट हम लोग सॉल्व करते हैं, उतना बच्चों जैसा मैं नहीं करूँगा। यहाँ देखो ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन हो रहा है, ऊपर फोर्स ज़्यादा होगा, इसका मतलब ये है टेंशन में से 4g को अगर मैं माइनस करूँगा, टी में से 4g को माइनस करूँगा, तो 4 × a आ जाएगा, ठीक है। नीचे 4g में से अगर टी को माइनस करूँगा, 4g में से टी को अगर माइनस करूँगा मैं, तो क्या कुछ आएगा? 3 × 1 = 4a। ऐसा क्यों लग रहा है कि दोनों सेम ही मैं लिख दिया? टी से टी कैंसिल, 4g से 4g कैंसिल, इधर 0 रह गया, और 4 × 4 = 8a, एक्सेलरेशन कितना? 0, मतलब ये ब्लॉक थोड़ा सा भी हिलेगा ही नहीं, ये यहीं का यहीं रहेगा, ये यहीं का यहीं रहेगा, थोड़ा सा भी हिलने डुलने वाला नहीं। अब टेंशन फोर्स निकाल देते हैं, कितना कुछ आएगा, टेंशन कितना आना चाहिए, तो टी इक्वल्स टू, ये फर्स्ट इक्वेशन का यूज करता हूँ मैं, टी इक्वल्स टू 4a, और माइनस माइनस से इधर ले आएंगे तो प्लस में 4g हो जाएगा, तो टी इज इक्वल्स टू 4, एक्सेलरेशन कितना है? 0, एक्सेलरेशन 0, तो ये पूरा टर्म 0 बच जाएगा, टी इक्वल्स टू 4g के बराबर, यही आ गया टेंशन का वैल्यू। ऐसा करके सॉल्व कर सकते हैं, तो बच्चों वाला सवाल निकला यार, इसमें तो कोई जान ही प्राण नहीं था, है ना, ठीक है, जान प्राण तो नहीं था सर जी। बाकी अब सेकेंड नंबर नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है इस तरीके का, देखो ऐसे लगा हुआ है ऐसा कुछ, यहाँ पे एक रख दिया है 3 kg का ब्लॉक, और इससे ये पुली लगा हुआ है, इस पुली से ऐसे लटक के नीचे आ रहा है एक दूसरा ब्लॉक, ये है 2 kg का। अब ये तुम्हें बताना है इसमें टेंशन क्या होगा और दूसरा एक्सेलरेशन क्या कुछ होगा, ये तुम्हें बताना है। साथ में ये भी दे दिया है पुली कैसा है, मासलेस और है, ये फ्रिक्शनलेस, ये धागा जो है इनएक्सटेंसिबल है, और इनएक्सटेंसिबल और मासलेस है, सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग FED पहले ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, नीचे कौन आएगा? 2g आएगा, ऊपर कौन आएगा? टेंशन टी, एक्सेलरेशन कहाँ? ये नीचे की तरफ आएगा,
ये ब्लॉक जो नीचे की तरफ खींचेगा, ये पुली मूव करेगा और इस ब्लॉक को नीचे की तरफ लेकर आएगा। ऐसा ही सीन बनने वाला है। तो इसका एफबीडी तो पूरा बना लिया मैं। यहाँ दिख रहा है मुझे कि यहाँ भी टेंशन टी ही मिलने वाला है, यहाँ भी टेंशन टी और इस वाले पे से टेंशन टी मिलने वाला है। एक्सेलेरेशन किधर आएगा? इधर की तरफ। अब कुछ और बाकी ऊपर नीचे हम लोग ये मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में हम लोग रिजॉल्व नहीं करेंगे। वैसे अगर रिजॉल्व करोगे तो आ जाएगा ये 3G और ऊपर साइड नॉर्मल रिएक्शन, पर इसका कोई मतलब नहीं बनता, झूठ मूठ का टाइम पास करोगे ऐसे। अब देखो इसका इक्वेशन और इसका इक्वेशन मैं अलग अलग लिखने की कोशिश करता हूँ। कैसे कैसे लिख सकते हैं? इस वाले में दिख रहा है मुझे नीचे साइड क्या लग रहा है, 2G में से माइनस क्या करेंगे, टेंशन टी को इज इक्वल्स टू 2A। और क्या कुछ कर सकते हैं? इस वाले का इक्वेशन लिखना पड़ेगा मुझे। एक टेंशन है जो इधर की तरफ लग रहा है सिर्फ, बस और कोई फोर्स उस पर नहीं लग रहा। और ये 3A इजकल्स टू 3A, टेंशन से टेंशन कैंसिल, 3 2 5 ए बराबर 2G डिवाइडेड बाई 5। ये आ गया एक्सेलरेशन। अब चाहो तो आप टेंशन भी निकाल सकते हो। टेंशन मैं नीचे ही निकाल देता हूँ। टेंशन कैसे निकलेगा? इसे इधर लेके आते हैं तो ये इधर आ जाएगा। देखो पहले मैं फर्स्ट इक्वेशन, अच्छा डायरेक्ट यार सेकंड इक्वेशन लगा देते हैं ना, टी इजकल्स टू 3A, तो टी इजकल्स टू 3, एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना 2G/5, तो इन टू 2G डिवाइडेड बाई 5, तो टेंशन का वैल्यू कितना आ गया 6G/5। ये हे 6G, 3G का डबल 6G, 5G तक अभी आया, 6G आ जाएगा क्योंकि तुम 6G वाले सवाल बना रहे हो। मेथड 2 से देखो कैसे सोल्व करोगे तुम। सबसे पहले तो नेट ड्राइविंग फोर्स तुम्हें निकालना पड़ेगा। नेट ड्राइविंग फोर्स क्या है? तो यहाँ मुझे दिख रहा है कि एक 3 kg का ब्लॉक है, इससे जुड़ा हुआ है मुझे दूसरा एक 2 kg का ब्लॉक। इन दोनों में से इसके ऊपर जो 2G लग रहा है, इससे पूरा सिस्टम जो है आगे की तरफ चलेगा। अगर मान लो पूरे को सिस्टम मानते हो तुम, इन दोनों को अगर मान लो सिस्टम थोड़ी देर के लिए मान के चलते हम लोग, क्योंकि दोनों के पास एक्सेलरेशन तो सेम ही रहने वाला है, तो सिस्टम मान सकते हैं एक्सेलरेशन सेम रहने वाला है। दूसरा ये दिख रहा है कि ये जो 2 kg पे 2G लग रहा है ना फोर्स नीचे की तरफ, इसी की वजह से ये भी खिंचा कर नीचे की तरफ आ रहा है। तो ये क्या लग रहा है इसके ऊपर? एक्सटर्नल फोर्स के रूप में कौन लग रहा है? इसी को नेट ड्राइविंग फोर्स भी कुछ लोग बोलता है। ये ड्राइविंग फोर्स, हाँ ड्राइवर वाला फोर्स, मतलब जिससे इसको ड्राइव करके लेके जाया जाए पूरे सिस्टम को। अब इसके अंदर एक्सेलरेशन ए आएगा, तो यहाँ से डायरेक्टली तुम लगा सकते हो क्या, एफ नेट ड्राइविंग फोर्स इज इक्वल्स टू मास टोटल इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू, नेट ड्राइविंग फोर्स कौन है 2G के बराबर, टोटल मास 3 × 5, 5 kg का है, एक्सेलरेशन ए तो 5A, ए बराबर क्या आ जाएगा 2G/5। देख लो इससे मैच कर गया। तो इस मेथड से भी बना सकते हैं, सेकंड मेथड से बड़ा आसानी से हो जाता है। ये हो गया मेथड नंबर 1। सर जी मेथड नंबर 2 पसंद मुझे आ रहा है। हमेशा सिस्टम बनेगा जिसमें, अगर हमेशा सिस्टम बना तब तो ठीक है, सिस्टम देखना एक लास्ट में मैं नहीं बनने दूंगा तो उस वक्त तुम्हें समस्या होगा। फिर हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब देखो मैं सिंपल ब्लॉक पुली वाले नेक्स्ट सवाल को लेकर आया हूँ। सिंपल ब्लॉक पुली ऐसा कुछ दिया हुआ है, ठीक है, ये बोल रहा है कि यहाँ पर एक लगा दीजिए पुली और यहाँ पर एक लगा दीजिए पुली दूसरा, ये थोड़ा सा बड़ा पुली है ना, और इसमें नीचे वाले धागे से यहाँ पर जुड़ा हुआ है एक ब्लॉक और दूसरा यहाँ पर जुड़ा हुआ है दूसरा ब्लॉक। देखो मासेस क्या क्या है, 5 kg और 2 kg है, 5 kg यहाँ पर 2 kg है। अब इसी को सॉल्व करना, थोड़ा मैं ये पेंसिल ले लूँ ब्लू वाला, ठीक है। तो इसे ये बताना है कि आप बता दो टेंशन क्या कुछ होगा और एक्सेलरेशन क्या कुछ आएगा इस वाले में, यही बताना है। बना लेते हैं जैसे पहले हम लोग सॉल्व करते चलते थे, वैसे ही चलते हैं पहले मेथड नंबर 1 से, क्योंकि पूरी बातें समझ में आएगा उससे। ये नीचे लग रहा है 2G, ऊपर लग रहा है टेंशन टी और नीचे आ जाएगा एक्सेलरेशन इसका, क्योंकि ये पूरा का पूरा नीचे की तरफ खींचना शुरू करेगा। जैसे ये 2 kg नीचे की तरफ खींचना शुरू करेगा तो ये पुली मूव करना शुरू करेगा, मूव करके इस रस्सी से खींचेगा तो ये भी पुली धीरे धीरे ऐसे गोल गोल घूमेगा, ऐसे घूमेगा तो ये ब्लॉक जो है नीचे की तरफ स्लाइड करेगा। जितने तेज़ी से ये आगे बढ़ेगा उतना ही तेज़ी से ये भी इधर की तरफ खींचा जाएगा। इसका मतलब इसका एक्सेलरेशन किधर है? इधर की तरफ है। इसके ऊपर अगर देखा जाए तो एक सिर्फ यहाँ पे टेंशन लग रहा है, इसके अलावा और कोई फोर्स नहीं लग रहा। अब दोनों का इक्वेशन लिख के चलते हैं। इस वाले का इक्वेशन दिख रहा है कि नीचे की तरफ फोर्स ज़्यादा, तो 2G माइनस में 2A करना पड़ेगा, सॉरी माइनस में टेंशन टी करना पड़ेगा, तब यह आ जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर, यानी कि 2A के बराबर। यहाँ पर अगर इक्वेशन में लिखना चाहूँ तो टी इज इक्वल्स टू हो जाएगा 5 × A, यानी कि 5A के बराबर। यहाँ टेंशन से टेंशन कैंसिल, ये हो जाएगा 2G इज इक्वल्स टू 5 × 7A। ओहो एक्सेलरेशन इजकल्स टू 2G/7। बड़ा स्मूथली आंसर आ रहा है यार, कितना सिंपल सवाल हो गया है ना, सिंपल ब्लॉक वाला है तो सिंपल तो होगा ही। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि टेंशन भी हमें निकालना है। टेंशन बराबर 5A, सेकेंड इक्वेशन में रख देते हैं T=5A, T=5, एक्सेलरेशन कितना 2G/5 into 2G/5, 5 से 5 कैंसिल, टेंशन इक्वल्स टू 2G के बराबर।
ये अरे 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 अरे, अरे, अरे नहीं, नहीं 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 गलत मिस्टेक, यहाँ 5 था, यहाँ नीचे 7 था ना, तो 5 2 10G/7। अभी सर जी 5G आया है, आप 10G पढ़ा रहे हो, आंसर आया है बाबू, आप 10G लेके सोच के ना चले। यहाँ मैं मेथड 2 बना देता हूँ, यहीं पे मेथड 2 बना देता हूँ। मेथड 2 कैसे दिख रहा है मुझे, नेट ड्राइविंग फोर्स कितना दिख रहा है 2G, और तो अगर नेट ड्राइविंग फोर्स है नहीं जो इस पूरे सिस्टम को घुमा रहा हो, ठीक है, बाकी ये टेंशन जो इंटरनल फोर्स का काम करेगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। 2G हमें दिख रहा है कौन, नेट ड्राइविंग फोर्स। मास टोटल कितना दिख रहा है, यहाँ लिखूंगा मैं नेट ड्राइविंग फोर्स इजिकल्स टू मास टोटल इंटू एक्सलरेशन। नेट ड्राइविंग फोर्स दिख रहा है 2G के बराबर, मास टोटल दिख रहा है 2 और 5 7 और एक्सलेशन ए, तो एक्सलेशन बराबर आ जाएगा 2G/7। आ गया आंसर, देख लो 2G/7। फाइनली हम लोगों ने फिक्स्ड पुली वाले सारे सवाल कर लिए हैं, अब मैं तुम्हें बताता हूँ मूवेबल पुली वाले सवाल कैसे करना है। मूवेबल पुली वाले सवाल जो है ना अक्सर देख कर बड़ा डर लगता है। इन मूवेबल पुली को सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा क्या करना ना कि 3 पॉइंट जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान में बस रखना, उसके बाद ये हलवा बन जाएगा एकदम। देखो पहला बात क्या ध्यान में रखना है, क्या बताने वाला हूँ, नेक्स्ट जो टाइप है पुली में, ब्लॉक पुली में, मूवेबल पुली, मूवेबल पुली से रिलेटेड सवाल मैं तुम्हें सिखाने वाला हूँ। मूवेबल पुली में क्या करना है, 3 बातें ध्यान में रखना है। पहला बात क्या कुछ ध्यान में रखोगे कि अगर जब भी इस तरीके का ये पुली दे दे, नीचे साइड बोले ये मैं टेंशन टी दिया हूँ, इधर साइड टेंशन टी दिया हूँ, तो ऊपर साइड जब लेके चला करो तो इन दोनों को ऐड करके 2T के बराबर लेके चला करो। ये पहला बात हो गया, क्योंकि ये ओवरऑल जो है इसके ऊपर अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तब। दूसरा क्या ध्यान में रखना है, अगर ये पुली दिया हुआ है, इसके अंदर नीचे की साइड एक्सेलरेशन मान लो A1 हो रहा है, ऊपर की साइड मान लो इसका एक्सेलरेशन हो रहा है, इस तरीके से पुली दिया हुआ है, इसका एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन ऑफ पुली है, इस इधर वाले धागे का एक्सेलरेशन A2 है, इधर वाले का A1 है, ये भी ऊपर जा रहा है, ये भी ऊपर जा रहा है, और ये पुली भी ऊपर जा रहा है। ऐसे केस में क्या करना है, एक्सेलरेशन ऑफ पुली लिखना है तुम्हें साइन के साथ। ऊपर को मान लो पॉजिटिव में मानता हूँ, तो A1 प्लस में A2 हो जाएगा, A1 प्लस में A2 डिवाइडेड बाई 2 कर देना है, इस तरीके से तुम्हें लेके चलना है। दूसरा, अगर मान लो यहीं पुली में ऐसा दे दे, ये एक्सेलरेशन ऑफ पुली ऊपर है, लेकिन ये मान लो अगर एक्सेलरेशन ये जो है फर्स्ट वाले धागे का मतलब सेकंड वाले धागे का, मान लो कि ये नीचे की तरफ जा रहा है और ये जो है ऊपर की तरफ जा रहा है, ये ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ऐसे केस में क्या लेके चलोगे, एक्सेलरेशन ऑफ पुली ऊपर की तरफ जा रहा है तो पॉजिटिव है, ये नीचे जा रहा है तो निगेटिव है, तो ये हो जाएगा A1 माइनस में A2 डिवाइडेड बाई 2। ये दूसरा पॉइंट एक्सेलरेशन से रिलेटेड निकाल के ध्यान में रखना। तीसरा जो पॉइंट तुम्हें ध्यान में रखना है वो ये रखना है कि मान लो इस तरीके का ऐसा कुछ सीलिंग दे देता है, ऐसा कुछ पुली मान लो लटका हुआ है, ऐसा आगे कुछ ना कुछ सीन चल रहा है, ऐसा कुछ सीन चल रहा है, तो ये सारा पुली जो है इसको बोलते हैं फिक्स्ड पुली। देखो ये फिक्स्ड पुली बोलते हैं, ये फिक्स्ड पुली है, कभी मूव नहीं करेगा कहीं पे भी, लेकिन ये पुली जो है जैसे ही नीचे की तरफ ये मान लो फोर्स लगा के मैं इधर खींचना शुरू करता हूँ, तो ये पुली जो है कंटिन्यू ऊपर की तरफ जाना शुरू करेगा, ये पुली भी ऊपर की तरफ जाना शुरू करेगा, तो ये दोनों पुली कैसा हो गया, मूवेबल पुली, ठीक है। और जब भी मूवेबल पुली आए ऐसे केस में, यहाँ पे देखो ये धागा सब में कुछ ना कुछ मूवमेंट हो रहा है, जैसे मैं खींचूंगा तो ये धागा ऊपर की तरफ जाएगा, इधर वाला धागा नीचे आएगा, इधर वाला धागा ऊपर जाएगा, इधर वाला स्ट्रिंग नीचे आएगा, इधर वाला स्ट्रिंग ऊपर जाएगा, लेकिन ये स्ट्रिंग ऊपर नीचे कहीं नहीं जाने वाला, ये इतना लेंथ इतना ही फिक्स रहेगा, बस धीरे धीरे लेंथ कम होगा, पर ये मूव नहीं करेगा ये स्ट्रिंग, तो जो स्ट्रिंग मूव ना करे उसका एक्सेलरेशन 0 लेके चलना। ये तीसरा पॉइंट तुम्हें ध्यान में रखना, अगर ये तीनों पॉइंट तुम ध्यान में रखोगे तो तुम्हें मूवेबल पुली से रिलेटेड एक भी सवाल फंसने वाला नहीं है। तो दिखाते हैं हम तुम्हें एक लाइव एग्जांपल कि कैसे देखो मूवेबल पुली वाले सवालों में कोई समस्या नहीं आता है। ये रहा मूवेबल पुली वाला सवाल, ये सर जी बना दिए, अरे यार इतना जल्दी जल्दी मत बनाया करो सर जी, बनाने नहीं आता है, अरे जल्दी जल्दी के चक्कर में और भी गड़बड़ कर देते हैं। ऐसा कुछ दिया हुआ है, ये यहाँ पे मैं लटका दिया 1 kg का, ये लटका दिया 2 kg का, इसमें यही बताना है कि टेंशन बता दो और दूसरा एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स बता दो, क्या क्या होगा एक्सेलरेशन, तो देखते हैं हम लोग। यहाँ मुझे ये दिख रहा है फिक्स पुली, ये दिख रहा है मूवेबल पुली, क्लियर है एकदम। इसमें मुझे दिख रहा है 2G लगता हुआ, ऊपर साइड टेंशन टी, यहाँ भी टेंशन टी, यहाँ भी टेंशन टी, यहाँ पे भी टेंशन टी, यहाँ पे भी टेंशन टी, इन दोनों का टी टी, तो यहाँ पे 2T, ठीक है। मैं इसे थोड़ा और बड़ा करता हूँ, ये 1 kg का है ना, ये है 1 kg का, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ये आ जाएगा 2T, तो यहाँ पे भी 2T और इसका G। अब जब पुली का, यहाँ पे पुली का थोड़ा बात कर लेते हैं, पुली के केस में ऐसा हो रहा है
कि इधर साइड तो फिक्स है तो इसका एक्सेलरेशन जीरो, इधर वाले का एक्सेलरेशन, इसका एक्सेलरेशन अगर नीचे की तरफ है ये पूरा 2 kg वाला नीचे की तरफ खींचेगा तो ये धागा पूरा नीचे की तरफ आएगा, धागा ऊपर की तरफ जाएगा, और जिस स्पीड से ये नीचे आएगा उतना ही स्पीड से ऊपर जाएगा, जितना एक्सेलरेशन इसका होगा उतना एक्सेलरेशन इस धागे का होगा, मतलब ये वाला जो स्ट्रिंग होगा इसका एक्सेलरेशन ए होने वाला, कहाँ? ऊपर की तरफ। और ये पुली पूरा का पूरा मूवमेंट पुली का कहाँ होगा? ये भी ऊपर ही भागेगा, क्योंकि एक नीचे खींचेंगे तो पुली भी साथ साथ में ऊपर भागेगा, तो इसका पुली जो है एक्सेलरेशन ऑफ पुली वो अपवर्ड डायरेक्शन रहने वाला है। तो एक्सेलरेशन ऑफ पुली प्लस में लेके चलना है, फर्स्ट वाला एक्सेलरेशन और प्लस में सेकेंड वाला एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाई में 2। एक्सेलरेशन ऑफ पुली क्या आ गया? ए बाई 2। वाह सर जी, यू आर वेरी स्मार्ट। इतना तो मैं भी कर लेता, तो पहली बार जान रहे हो ना, इसलिए मैं एक बार करके दिखा देता हूँ, टेंशन मत लो, एक बार सीख जाओगे तो फिर करना, मैं दूंगा एक सवाल। नेक्स्ट क्या करना है, हम लोग दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम बना के जैसे पहले सॉल्व करते थे वैसे करते चलना है। 1 kg ब्लॉक, आप इधर आइए, नीचे दीजिए हमें जी फोर्स, ऊपर साइड दीजिए टेंशन 2t, और आपके अंदर जो एक्सेलरेशन आने वाला है ना, ये पुली का एक्सेलरेशन अभी अभी मैं निकाल चुका हूँ, ए बाई 2, एक्सेलरेशन ऑफ पुली ए बाई 2 आया है। जिस एक्सेलरेशन से ये पुली ऊपर जाएगा उतना ही तेजी से आपको भी ऊपर जाना पड़ेगा, तो आपका एक्सेलरेशन क्या हो गया? ए बाई 2। इस वाले ब्लॉक के बारे में देखते हैं, ये हो गया 1 kg वाले ब्लॉक का बात, ये 2 kg वाले की बात करते हैं। ऊपर साइड लग रहा है टेंशन टी, नीचे साइड लग रहा है 2g, और एक्सेलरेशन आ रहा है नीचे डाउनवर्ड। दोनों का इक्वेशन लिखते हैं, ऊपर देखो एक्सेलरेशन ऊपर है तो 2t माइनस जी बराबर ए बाई 2, 2t माइनस जी बराबर ए बाई 2 इंटू 1, मतलब ए बाई 2 ही। सेकेंड वाला इक्वेशन क्या बनेगा, नीचे की तरफ एक्सेलरेशन आ रहा ना, तो 2g में से टी माइनस 2g में से टी माइनस बराबर 2 इंटू ए बराबर 2a। एक और चीज़ मुझे दिख रहा है सर जी, ये 2t है, यहाँ 2t है, एक काम करिए ना, इसको भी टी ही बना दीजिए, बना देते हैं। तो मैं बनाने वाला हूँ टी, इसे 2 से डिवाइड कर दो तो ये बच जाएगा ऊपर टी माइनस में जी बाई 2 इज इक्वल्स टू, इसे 2 से डिवाइड करोगे तो हो जाएगा ए बाई 4। नेक्स्ट वाले को एज इट इज रहने दो तो ये हो जाएगा 2g माइनस में टी बराबर में 2a। अब देखो टेंशन कट जाएगा, जब टेंशन खत्म तो क्वेश्चन तो ऐसे ही बन जाएगा, टेंशन खत्म तो प्रॉब्लम का, हर प्रॉब्लम का सलूशन निकल जाता है। ए बाई 4, मैं थोड़ा स्पीड में यहाँ करता हूँ है ना, बाकी क्योंकि फ्रैक्शन वाला एडिशन सबट्रैक्शन तुम लोग आता है। ये 2g में से जी बाई 2 जाएगा तो 2 जा 4, 4 में से 1 गया तो 4 में से 1 गया 3g बाई 2, 3g बाई 2। इधर क्या बन के आएगा, 4 2 जा 8, 8 1 9, 9a बाई 4 हो जाएगा, 9a बाई 4 ये कट जा कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स में, ये कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स में, तो एक्सेलरेशन जी बराबर आ गया है 3a बाई 2। तो यहाँ से एक्सेलरेशन बराबर क्या कुछ लिख सकते हैं, 2g बाई 3, ये लिख सकते हैं एक्सेलरेशन बराबर 2g बाई 3। देखिए यहाँ मैं काफ़ी कॉम्प्लेक्स कर दिया हूँ इधर उधर लिख के, तो उसको थोड़ा मैटर में सॉल्व करता हूँ अभी, पर एक टेंशन मैं बस निकाल लूँ। देखो क्या कैसे कैसे कैसे, फर्स्ट यहाँ से ऐसे चलना है 1 नंबर, यहाँ से ऐसे चलना है 2 नंबर, ऐसे होते हुए यहाँ तक, यहाँ चलना है 3 नंबर, यहाँ चलना है 4 नंबर, और यहाँ चलना है 5 नंबर, बस इस सीक्वेंस में चलना है, तो सारे तुम्हें कॉपी में लिखने में कोई दिक्कत नहीं आएगा। अब एक और चीज़ बच गया है, टेंशन रह गया है, टेंशन भी मैं सॉल्व ही कर देता हूँ। टेंशन कैसे निकलेगा, किसी एक में पुट कर दीजिए सर जी, टेंशन पे टाइम किल मत करिए, नहीं करूँगा मैं। देखो 2g माइनस टी बराबर 2a, इसी में मैं रख देता हूँ 2g माइनस टी बराबर 2a, मुझे क्या रखना है एक्सेलरेशन का वैल्यू 2g माइनस टी। यहाँ से टेंशन का फॉर्मूला क्या कुछ आ जाएगा, इसे इधर लेके आ जाते हैं तो ये 2 इंटू जी प्लस माइनस में a बराबर टी, तो टी बराबर क्या हो जाएगा 2 इंटू जी माइनस, एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना है 2g बाई 3, 2g बाई 3, 3 में से 2 गया तो g बाई 3, तो g बाई 3 आई इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 2g बाई 3, ये हो गया टेंशन का वैल्यू 2g बाई 3। इस तरीके से आप चाहें तो एक्सेलरेशन और टेंशन निकाल सकते हैं, जो कि दोनों निकल के आपके आंखों के सामने आ चुका है। अब कभी कभी इसमें सवाल ऐसे पूछ देता है कि ये बताइए कि 2kg वाले का ब्लॉक का एक्सेलरेशन बताइए, तो 2kg वाले का एक्सेलरेशन कितना है, ए है, तो ए मतलब यहीं 2g बाई 3 ही आंसर हो जाएगा। कभी कभी पूछता है एक केजी वाले का एक्सेलरेशन बताइए, तो 1kg का एक्सेलरेशन कितना है, ए बाई 2, ए का वैल्यू निकाले ए बाई 2 निकाल लेना, 2 से डिवाइड करके आ जाएगा तो हो जाएगा जी बाई 3। तो ये हो गया सवाल मूवेबल पुली से रिलेटेड जो मैंने एक करवाया, और भी थोड़ा अच्छे एक दो सवाल और करवा देता हूँ मैं, ताकि तुम्हारा अंदर जो दिमाग में भूसा पड़ा हुआ है इससे रिलेटेड डर जो पड़ा है सब निकल जाए। बस इन 3 पॉइंट्स को ध्यान में रखना है, सब कुछ क्वेश्चन ऐसे फूटता जाएगा। देखते हैं अगला सवाल भी। देखो नेक्स्ट 2 सवाल लेकर आया हूँ मैं, ये दोनों सवाल बिल्कुल सिंपल ही हैं, उसी टाइप के सवाल हैं, देखते हैं हम लोग इसको सॉल्व करके, कुछ खास नहीं है पर फिर भी हम लोग कर लेते हैं। पहला नंबर सवाल देखते हैं ये वाला, इस सवाल में पूछा जा रहा है कि इस तरह का ये सिस्टम दिया हुआ है, ये बताइए कि इसमें टेंशन फोर्स कितना लग रहा है और दूसरा एक्सेलरेशन दोनों ब्लॉक्स का कितना कितना है, ये पूछ रहा है। ठीक है बना लेते हैं। तो मुझे ये दिख रहा है कि ये फिक्स पुली, यहाँ पे मूवेबल पुली है, तो मूवेबल पुली का थोड़ा अगर देखेंगे
तो यहाँ पे मुझे नीचे जी लगता हुआ दिख रहा है, ऊपर से टेंशन टी लग रहा है, ठीक है। पुली के केस में ऐसा मुझे दिख रहा है कि ये पुली है और पुली में ऊपर साइड लग रहा है कौन, दो टेंशन, तो यहाँ पे टी नहीं। एक काम करते हैं, यहाँ पे टी मानते हैं, तो यहाँ पे भी हो जाएगा टी और यहाँ पे भी हो जाएगा टी, यहाँ पे हो जाएगा टी और यहाँ पे भी टी, यहाँ पे भी टी, ठीक है। तो नीचे साइड क्या कुछ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा टू टी और ऊपर किस तरफ भी टू टी। दूसरा, एक्सेलेरेशन कैसा कैसा दिख रहा है, अगर इसका एक्सेलेरेशन इधर की तरफ है तो ये धागे का पूरा का एक्सेलेरेशन कुछ ना कुछ होगा नीचे की तरफ, नीचे की तरफ ये पुली पूरा का पूरा मूव करके जाएगा, तो इसका एक्सेलेरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक से। दूसरा, इधर वाला देखो पूरा का पूरा फिक्स है, फिक्स है ना, तो इधर कोई मोशन नहीं होने वाला है, तो इसका एक्सेलेरेशन कितना है, जीरो है। नीचे वाले का क्या कुछ दिख रहा है, एक्सेलेरेशन ऑफ पुली जो होगा उसी के बराबर 1 kg का भी एक्सेलेरेशन आएगा। यहाँ मुझे दिख रहा है एक्सेलेरेशन ऑफ पुली बराबर ए, ये एक्सेलेरेशन ऑफ पुली कहाँ, नीचे की तरफ, ये भी कहाँ, नीचे की तरफ, प्लस में जीरो डिवाइडेड बाई टू, तो ये निगेटिव निगेटिव गायब हो जाएगा, बचेगा ए एक्सेलेरेशन ऑफ पुली बराबर ए बाई टू, जो कि बिल्कुल सिंपल लगा जैसा कि आप सर पहले भी बताते थे। अब मुझे दिख रहा है कि मुझे 1 kg और 3 kg का अगर फ्री बॉडी डायग्राम बना लीजिए तो काम हो जाएगा। 3 kg वाले मुझे दिख रहा है, मुझे इधर टेंशन टी दिख रहा है, एक्सेलेरेशन कितना दिख रहा है, ए दिख रहा है, ये कितने kg है, 3 kg। नेक्स्ट है 1 kg के साथ, 1 kg के साथ क्या हो रहा है, नीचे लग रहा है जी, ऊपर लग रहा है टू टी टेंशन, देखो यहाँ टू टी टेंशन लग रहा है, और एक्सेलेरेशन कितना आएगा, जितना पुली का एक्सेलेरेशन होगा वही ब्लॉक का भी एक्सेलेरेशन आएगा, तो पुली का एक्सेलेरेशन कितना आया है, ए बाई टू, तो ये हो जाएगा एक्सेलेरेशन ए बाई टू से नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है। एक्सेलेरेशन ऑफ पुली तो निकल के आ गया, अब मैं इसे थोड़ा सॉल्व करते हैं हम लोग, एक्सेलेरेशन अब थोड़ा सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसका इक्वेशन क्या कुछ बन जाएगा, टी इज इक्वल्स टू 3 × a, इस वाले का इक्वेशन जी माइनस, ये हो जाएगा जी माइनस टू टी इज इक्वल्स टू क्या कुछ आएगा, ये कितने kg का है, 1 kg का है, तो 1 kg का है तो ए बाई टू, ए बाई टू। इसे भी इन दोनों को सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, इस वाले को 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो 2 से डिवाइड करेंगे क्या बनेगा, ऊपर वाला है टी बराबर 3a, इसे 2 से डिवाइड करते हैं, तो ये हो जाएगा जी बाई टू माइनस टी बराबर में ए बाई फोर, ये टी से टी कैंसिल, ये हो जाएगा जी बाई टू इज इक्वल्स टू, इन दोनों को ऐड करते हैं, तो देखो एक बार लिख देते हैं वरना तुम कन्फ्यूज आ जाओगे तो मामला लफड़ा हो जाएगा। जी बाई टू इज इक्वल्स टू, ये देखो 4 × 3 = 12, 12 + 1 = 13a डिवाइडेड बाई 4, ये कट जाएगा 2 बार में, तो एक्सेलेरेशन क्या कुछ आ जाएगा, ये 2 से यहाँ लेके आ जाओ 2g डिवाइडेड बाई 13, ये एक्सेलेरेशन का वैल्यू 2g/13 आ गया। तो इस तरीके से एक्सेलेरेशन निकाल सकते हो। अब टेंशन निकालना बड़ा आसान है क्योंकि टेंशन का देख लो 3a से रिलेशन है, तो टी इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा टी इज इक्वल्स टू 3 times ऑफ एक्सेलेरेशन, 3, एक्सेलेरेशन कितना आ गया 2g/3, तो 3 × 6 6g/13, ये हो गया टेंशन का वैल्यू। अब देखो एक्सेलेरेशन ये किसका है, ये एक्सेलेरेशन 3 kg वाले का है, अगर 1 kg वाले का पूछेगा तो a बाई टू लिख देना, तो एक्सेलेरेशन ऑफ 1 kg बराबर a बाई टू, ए बाई टू मतलब g/13, ये हो जाएगा 1 kg का, ये है 3 kg का। नेक्स्ट, अच्छा मान लो इसमें अगर तुमसे पूछेगा कि इसमें इसको ड्राइविंग फोर्स मान सकते हैं क्या, इसको जी ड्राइविंग फोर्स मान के इसे और इसे सिस्टम मान लेते हैं, संभव है क्या, नहीं संभव है। क्यों संभव नहीं है, क्योंकि इसका एक्सेलेरेशन ए बाई टू है, इसका एक्सेलेरेशन ए है, अगर सेम मानना चाहोगे सिस्टम तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, मेथड 2 इसमें अप्लाई करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि दोनों ब्लॉक का एक्सेलेरेशन सेम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी सेम काम हो रहा है, ये एम है, नीचे की तरफ एम जी फोर्स लगाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स, ऊपर साइड टेंशन टी आएगा, इसको आगे की तरफ पास करता जाएगा, पास किया, आगे पास किया, इधर भी पास किया, तो फाइनली यहाँ पर जो आएगा एक्सेलेरेशन टेंशन वो 2t के बराबर आएगा, ठीक है। अच्छा मान लो इसका एक्सेलेरेशन मैं मान के चलता हूँ ए आता है, ए एक्सेलेरेशन आता है, तो इस पुली के बारे में थोड़ा सा मैं देखूँ तो ये ए एक्सेलेरेशन से तो आगे जाएगा, ये फिक्स है ना, तो इसलिए इसका एक्सेलेरेशन जीरो, ये पूरा का पूरा ब्लॉक जो है इधर की तरफ मूव करके जाएगा, इसलिए इसका जो फिर जो एक्सेलेरेशन ऑफ पुली जो है इधर ही तरफ रहेगा। इसको मैं पॉजिटिव मान लेता हूँ तो एक्सेलेरेशन ऑफ पुली बराबर हो जाएगा ए प्लस जीरो डिवाइडेड बाई टू, तो एक्सेलेरेशन ऑफ पुली क्या आ गया, ए बाई टू, हर बार ए बाई टू ही आ रहा है यार, क्या ही है सारा मैं ए बाई टू ही बना लिया हूँ क्या, हो सकता है। अब मैं दोनों का एफ बी डी ड्रॉ करता हूँ, 2m है यहाँ पर, इसके ऊपर लग रहा है 2t टेंशन, और एक्सेलेरेशन क्या कुछ आया है, एक्सेलेरेशन इस वाले का जो पुली का है, तो इसका एक्सेलेरेशन पुली के एक्सेलेरेशन से के साथ चलेगा, जितना तेज़ी से ये पुली इधर की तरफ मूव करेगा उतना ही तेज़ी से ये 2m ही मूव करेगा, तब ये कितना आया है, a बाई टू आया पुली का एक्सेलेरेशन। इस वाले के बारे में थोड़ा सोचते हैं एफ बी डी बना के, नीचे आया कौन, एम जी,
टेंशन कहाँ लग रहा है? ऊपर की तरफ। एक्सेलेरेशन कहाँ है? नीचे की तरफ। इसमें कौन है? ए बाई टू है। तो ये इसका इक्वेशन बनाओ, टू टी इज इक्वल्स टू टू एम इन टू ए बाई टू, टू से टू कैंसिल, तो टू टी इज इक्वल्स टू क्या आ गया? एम ए आ गया। इस वाले में एम जी माइनस टी बराबर, ये कितने के जी का ब्लॉक है? एम के जी का, तो एम ए। यह हो जाएगा एम जी माइनस में टी इज इक्वल्स टू एम जी माइनस में टी इज इक्वल्स टू एम इन टू ए, एम इन टू ए। मैं इसमें थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन करता हूँ इन दोनों को बराबर लाने के लिए, इसमें दोनों साइड से टी से डिवाइड करना, टू से डिवाइड करना पड़ेगा, तो टू से डिवाइड कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा टी इज इक्वल्स टू एम ए डिवाइडेड बाई टू। नीचे वाले में क्या कुछ बन के आएगा? एम जी माइनस टी इज इक्वल्स टू एम ए। ये टी से टी कर देते हैं कैंसिल, एम जी हो जाएगा किसके बराबर? एम ए बाई टू प्लस एम ए, तो ये हो जाएगा थ्री एम ए बाई टू। मुझे एक्सेलेरेशन चाहिए, एम से एम कर दो, उड़ा दो। तो एक्सेलेरेशन क्या कुछ बचेगा? एक्सेलेरेशन हमारे पास आ जाएगा टू जी बाई थ्री। ये देखो एक्सेलेरेशन आ गया, बाकी पुट कर देना, टेंशन भी निकल जाएगा। टेंशन क्या कुछ है? और टेंशन टू टी बराबर टू एम ए है ना, ये देखो टू टी बराबर टू एम ए है, इसमें पुट कर देना निकल जाएगा टेंशन तुम्हें। यह हो जाएगा टू टी इज इक्वल्स टू एम ए, यह हो जाएगा टी इज इक्वल्स टू एम ए बाई टू। तो टी इज इक्वल्स टू एम, एम कितना है? ए कितना है? टू जी बाई थ्री। तो ये हो जाएगा एम बाई टू इन टू, एक्सेलेरेशन कितना? टू जी बाई थ्री, टू टू कैंसिल, तो एम जी बाई थ्री आ जाएगा एक्सेलेरेशन इसका, टेंशन इसका। तो ये हो गया हमारा सवाल, ये वाला भी। अब आप चाहो तो इन दोनों सवालों को अपने खुद से भी लगा सकते हो और इसे देखकर समझ भी सकते हो। अब हम लोग चलते हैं कि वो क्वेश्चंस पे जिसमें कि जैसे देखो हर जगह इसमें एक्सेलेरेशन हमें सेम टू सेम मिल जा रहा था, कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि एक्सेलेरेशन सेम नहीं मिला। जैसे ए ए के बीच में रिलेशन निकाल रहे थे, पुली का यूज़ करके निकल जा रहा था, हो सके कि ए ए के टर्म में निकल ही ना पाए, तब कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे उस क्वेश्चन को थोड़ा देख। देखो नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं, एन एल एम। नेक्स्ट सवाल ये कह रहा है कि इस तरह से एक पुली है, इधर साइड एक लटका हुआ है 1 kg का ब्लॉक, यहाँ पे एक पुली है मूवेबल पुली जिससे लटका हुआ है 2 kg का, और इधर साइड एक है जिससे लटका हुआ 3 kg का ब्लॉक। मैं इसे हटा ही दूँ। देखो अब इसी में ये पूछ रहा है कि ये बताइए मुझे कि क्या क्या इसमें पता करना है। पहला तो टेंशन बताइए, दूसरा एक्सेलेरेशन ऑफ तीनों ब्लॉक को बताइए, एक्सेलेरेशन क्या कुछ होगा। तो हम लोग थोड़ा इसको थोड़ी देर के लिए सोचते हैं कि क्या क्या कुछ इसमें सीन हो रहा होगा। पहला तो ये दिख रहा है कि ये 2 kg और 3 kg का दो ब्लॉक दिख रहा है, ये दोनों ब्लॉक में कुछ ना कुछ एक्सेलेरेशन आ रहा होगा। ये अगर मैं थोड़ी देर के लिए इमेजिन करूँ कि ऊपर वाला ऐसा मान लो ऐसा अगर फिक्स रहता, तब क्या होता? ये 3 kg वाला नीचे आता, 2 kg वाला ऊपर जाता, और फाइनली मान लो इसके अंदर अगर एक्सेलेरेशन A1, इसके अंदर एक्सेलेरेशन A2, ये ऐसा करके स्लाइड कर रहा होता और ये यहीं पर मूव करता, पर ऐसा सीन है नहीं। यहाँ क्या है, ये खुद भी मूव कर रहा नीचे की तरफ। देखो 1 kg का है, ये चाहेगा तो 2 और 3 kg 5 kg का है, ये पूरा का एक सिस्टम मान के चलो, तो ये पूरा नीचे की तरफ खींच रहा है और ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है A1 एक्सेलेरेशन से, ये A2 से, और इसको A3 मान लेते हैं, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि ये ऊपर की तरफ जा रहा है और ये दोनों सिस्टम नीचे की तरफ आ रहा है, और साथ साथ में ये नीचे भी आ रहा है और ये मूव भी कर रहा है अपना, ये अपना पुली, और 3 kg वाले को नीचे ला रहा है, 2 kg वाले को ऊपर लेके जा रहा है। ये सीन बन रहा है पूरे में। अब इसको सॉल्व करने की हम लोग कोशिश करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग जी ले लेते हैं, ऊपर साइड आ जाएगा टेंशन, इधर साइड भी आ जाएगा टेंशन, सॉरी इधर से पहले हम लोग शुरू करते हैं, टेंशन टी, ये हो जाएगा 2g और इधर साइड हो जाएगा 3g, यहाँ भी टेंशन टी, अच्छा टी टी, तो यहाँ पे कितना 2t आएगा, यहाँ 2t, तो यहाँ पे भी 2t, ठीक है। अब अलग अलग थोड़ा ABD बनाते हैं, क्या क्या सीन बन रहा है, और साथ में इस सबका A to Z का बनाते हैं ABD। पहला 1 kg का दिख रहा है मुझे नीचे साइड में जी, ऊपर साइड में दिख रहा है क्या हमें 2t दिख रहा है, और एक्सेलेरेशन A1 इंटू, ये A1 दिख रहा है एक्सेलेरेशन ऊपर की तरफ, 1 kg का ये ब्लॉक है। दूसरा कौन है? 2 kg का ब्लॉक है। तीसरा कौन है? 3 kg का ब्लॉक है, और चौथा नंबर पुली है यहाँ पर। देखो 2 kg वाले ब्लॉक में क्या हो रहा है, टी 2g A2, टी 2g A2, नेक्स्ट वाले में टी 3g A3, टी 3g और A3 कहाँ? नीचे की तरफ, और यहाँ पर है हमारा एक पुली। पुली में क्या क्या सीन बन रहा है ये ध्यान से देखते हैं।
अच्छा पुली में ये दिख रहा है कि ये पूरा का पुली जो है एक पूरा पूरा का पुली जो है A1 एक्सेलरेशन नीचे की तरफ आ रहा है, जो एक्सेलरेशन इसमें आएगा वहीं इस पूरे पुली में एक्सेलरेशन नीचे की तरफ आएगा। तो ये पूरा पुली चाहता है कि मैं नीचे की तरफ आऊँ किससे, A1 एक्सेलरेशन से। दूसरा ये वाला जो दिख रहा है इधर वाला स्ट्रिंग वो A3 एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ ये आ रहा है किससे, A3 से। दूसरा ये जा रहा ऊपर की तरफ किससे, A2 एक्सेलरेशन से। देखो A2 एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ आ रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं इन सब के लिए पहले इक्वेशन लिखना शुरू करते हैं। फर्स्ट वाले के लिए इक्वेशन क्या लिखाएगा, ऊपर जा रहा ना तो हो जाएगा 2t-g बराबर A1। सेकेंड वाला में क्या आएगा t, देखो ऊपर ही ब्लॉक जा रहा था t-2g इजिकल्स टू क्या हो जाएगा 2a2। ठीक है थर्ड वाले में लिखते हैं, थर्ड वाले में देखो ब्लॉक नीचे आ रहा है इस बार, 3g-t करना पड़ेगा, 3g-t इजिकल्स टू क्या कुछ आएगा 3a3। नेक्स्ट इस वाले में देखते हैं क्या कुछ बन रहा है, ये बन रहा है एक्सेलरेशन ऑफ पुली इजिकल्स टू होता था A1 प्लस में A2 डिवाइडेड बाई 2 होता था। एक्सेलरेशन ऑफ पुली कौन दिख रहा है, A1 दिख रहा है। और ये दोनों कैसे जा रहा है, ये फर्स्ट वाला ऊपर जा रहा है मतलब ऊपर, अच्छा नीचे वाले को निगेटिव ना, तो ये जहाँ पर निगेटिव मुझे लेना पड़ेगा। देखो ये पुली जो है नीचे आ रहा है तो निगेटिव लेकर चलते हैं, ये A2 जो है ऊपर जा रहा है तो इसे पॉजिटिव में, A3 नीचे आ रहा है तो इसे निगेटिव में डिवाइडेड बाई 2। ये मुझे दिख रहा है 2 टाइम्स ऑफ A2 इजिक्वल्स टू A2-A3। अब इन सारे वैल्यूज को A1, A2, A3 को मैं इसमें पुट कर देता हूँ, क्योंकि अब क्या है मेरे पास कितने अननोन है, अननोन है A1, A2, A3 3 और एक टेंशन T, टोटल 4 और इक्वेशन 1, 2, 3 और ये 1, 4। तो अब प्रॉब्लम इसको सॉल्व करना आसान है। हम क्या करते हैं थोड़ा आसानी से सॉल्व करने के लिए हम सारे A1, A2, A3 को इसमें पुट कर देते हैं। A1 को यहाँ रखते हैं -2, A2 का वैल्यू क्या है A2 यहाँ है तो ये 2 इधर लेके आएंगे तो t/2 -g हो जाएगा, ये हो जाएगा t/2 -g इजिकल्स टू, ये हो गया। अच्छा ये A1 है ना, सॉरी यहाँ A1 है, देखो मिस्टेक मैंने करा, यहाँ क्या करना है -2, A1 का वैल्यू हो जाएगा 2t-g इजिकल्स टू, A2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में 2 आएगा तो t/2 -g माइनस में। अब ऐसे ही A3 देखो A3 कैसे निकालते हैं, A3 के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 से दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा तो g-t/3 हो जाएगा g-t/3। इधर साइड क्या सीन बनेगा, ये हो जाएगा माइनस में 4t और ये प्लस में 2g इजिक्वल्स टू, ये t/2 और ये माइनस प्लस में t/3 और ये -g और ये -g तो हो जाएगा -2g। ठीक है अब सारे t वाले को एक साथ लेके आते हैं या इसे ही उधर लेके जाते हैं तो क्या सीन बनेगा, t/2 प्लस में t/3 प्लस में 4t और इस 2g को इधर लेके आ जाते हैं तो 2g और 2g ये हो जाएगा 4g। और क्या सीन बन रहा है, ये 4g यहीं रहेगा, LCM लेते हैं तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 3t प्लस में 2t प्लस में ये 24t। यहाँ से मुझे दिख रहा है ये हो जाएगा 24 और 2 26 26 3 29 29t डिवाइडेड बाई 6। ओहो बड़ा लंबा जा रहा है यार, ये आएगा t का वैल्यू क्या कुछ आ जाएगा, t इजिकल्स टू 4g में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 4 24 डिवाइडेड बाई टेंशन 29 हो जाएगा, ये आ गया टेंशन निकल कर। टेंशन निकालिए तो सब में पुट करो, A1 A2 A3 निकाल लो सॉल्व हो के आ जाएगा। अब ये खुद से करना है, A1 A2 A3 पुट करो खुद से सॉल्व कर लो। तो ये तो था क्वेश्चन जिसमें मैं तुम्हें ये बताया कि कैसे अलग अलग ये A1 A2 A3 जब अलग अलग रहे तब कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखो लास्ट एक हमारा टाइप बचा हुआ है, तीसरा वाला टाइप, वो कौन, ब्लॉक एंड पुली ऑन वेज। इससे रिलेटेड मैं सिर्फ एक सवाल करा देता हूँ, बाकी ये इससे रिलेटेड सवाल अच्छे तब बनते हैं जब फ्रिक्शन भी इसमें ऐड किया जाए। तो एक सवाल करके मैं दिखाता हूँ, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं किससे रिलेटेड, ब्लॉक एंड पुली ऑन
इंक्लाइन प्लेन। देखो ब्लॉक और पुली इंक्लाइन प्लेन पे कैसा कैसा सवाल तुमसे पूछा जा सकता है। ये इंक्लाइन प्लेन लिया हुआ है, ये थीटा एंगल है, यहाँ पे मान लो एक स्मॉल एम मास का रखा हुआ है और दूसरा यहाँ पर एक लटका हुआ है पुली, ये इससे अटैच्ड है, ये नीचे की तरफ जा रहा है, यहाँ पे भी एक पुली लटका हुआ है, सॉरी ये एक दूसरा पुली लटका हुआ है ऐसा कुछ, और यहाँ पे एक अनदर ब्लॉक, ये कैपिटल एम मास का। अब देखो ना इसमें सीन क्या होगा, ये वाला मास जो है ना नीचे की तरफ आना चाहेगा क्योंकि एक इसका कंपोनेंट जो है ना नीचे की तरफ खींचेगा, जब नीचे की तरफ खींचेगा तो ये धीरे धीरे स्ट्रिंग को भी खींचता जाएगा, इस स्ट्रिंग को भी खींचेगा, इस स्ट्रिंग को भी खींचेगा, फाइनली ब्लॉक इधर शिफ्ट करेगा। तो हमें ये बताना है कि इसके अंदर एक्सेलरेशन क्या कुछ होगा और दूसरा टेंशन क्या होगा, यही बताना है। इसमें अंतर कुछ नहीं होता है, बस थोड़ा सा डिफरेंस यही होता है कि इसमें कंपोनेंट वगैरह निकालना तुम्हें पड़ेगा तब इसे सॉल्व करना पड़ेगा, और कुछ खास अंतर नहीं होता है। देखते हैं तो क्या क्या कुछ चीज़ दिख रहा है मुझे इसमें। एक तो हमें दिख रहा है एम जी नीचे की तरफ आएगा, दूसरा इसमें मूवमेंट जो है ना अलॉन्ग द इंक्लाइन प्लेन होने वाला है, इधर साइड टेंशन टी मुझे दिख रहा है अलॉन्ग द इंक्लाइन प्लेन, और जो अलॉन्ग द इंक्लाइन प्लेन फोर्स मुझे दिख रहा है ये तो जाएगा परपेंडिकुलर में, ये थीटा, तो ये एम जी में कॉस थीटा और इसके अलॉन्ग मुझे दिखेगा एम जी में साइन थीटा। तो यहाँ का मैंने सारा रिजोल्यूशन फोर्स का कर दिया, और क्या बन के आएगा, इधर साइड मुझे दिख रहा है टेंशन टी ही दिख रहा है और यहाँ कोई फोर्स ही नहीं है दूसरा, है ना। अब देखो यहाँ मुझे दिख रहा है कि इधर साइड नीचे की तरफ इस फोर्स से इस ब्लॉक को नीचे की तरफ खींचेगा और टेंशन से रोकने की कोशिश करेगा, तो ये एम जी साइन थीटा में से अगर मैं टेंशन को माइनस करूँगा तो एम ए के बराबर आ जाएगा, दूसरा टेंशन इजिकल्स टू मास इंटू एक्सेलेरेशन हो जाएगा, और इन दोनों को जब मैं सॉल्व करूँगा तो टेंशन से टेंशन हो जाएगा कैंसिल और एम जी साइन थीटा हो जाएगा एम टू एम ए के बराबर। तो मुझे एक्सेलेरेशन अगर चाहिए तो देखो एम से एम कर दो कैंसिल, एक्सेलेरेशन बराबर आ जाएगा ये टू डिवाइड में, तो जी साइन थीटा डिवाइडेड बाई टू, ये क्वेश्चन बनकर खत्म। एक और क्वेश्चन मैं तुम्हें होमवर्क में दे रहा हूँ इससे इससे रिलेटेड, ये तुम्हें खुद से करना है। मान लो एक इंक्लाइन प्लेन है इस तरीके से, ये इंक्लाइन प्लेन है, दूसरा ये इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है, यहाँ पर एक ब्लॉक है ऐसे लगा हुआ, दूसरा ब्लॉक है ये लगा हुआ, ये रहा, ये थोड़ा बाहर की तरफ आएगा, है ना, और ये भी थोड़ा बाहर की तरफ लाना पड़ेगा, ये नीचे की तरफ आया, ये ऐसे गया, ऐसे मूव करता हुआ जा रहा, इस तरीके से कुछ, ये छोटा बनाना पड़ेगा, यहाँ पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, ये है अपना 5 kg का, और इधर एक ब्लॉक रखा हुआ है ये है 2 kg का, ये बताना है यहाँ थीटा जो दिया हुआ है वो 30 degree का और ये थीटा जो दिया हुआ है वो दिया हुआ 60 degree का। इसमें अब ये बताना तुम्हें पहला टेंशन क्या कुछ होगा और एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक क्या कुछ होगा, यही सवाल है इस ब्लॉक इस क्वेश्चन को तुम्हें बताना है। तो ये था हमारा ये हमारा होमवर्क नंबर 2 है ना, HW नंबर 2, दोनों का आंसर जो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। ये जो है अपना फाइनली ब्लॉक और पुली वाला जो जितने भी प्रॉब्लम्स थे मैंने हर टाइप को कवर कर दिया है। अब आपको क्या करना है कि इस वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के बीच और बहुत सारे जो मॉड्यूल्स में क्वेश्चंस दे रखे हैं उन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद तुम्हें इसके ऊपर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। इस वीडियो में इतना ही रन देते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।